हेलो एवरीबॉडी, लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ने की सीरीज में ये है आज का हमारा लेक्चर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे लैपलास का सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है मल्टीप्लिकेशन बाय टी। इसके पहले के लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कवर किए थे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वो लेक्चर आप देखिए, इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे लैपलास का सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है मल्टीप्लिकेशन बाय टी। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल टिकलेस एकेडमी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको तुरंत मिल जाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म में सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस, देन प्रूव दैट लैपलास ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एस ऑफ एफ बार ऑफ एस। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये प्रूफ करनी है। देखो प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस जो कि उसका डेफिनेशन है, देन प्रूफ दैट लैपलास ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस इंटू एफ बार ऑफ एस। प्रॉपरली चेक करो, लेफ्ट साइड में टी एफ ऑफ टी है, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, यहाँ पे टी एफ ऑफ टी आ गया। इट मीन्स हमने लेफ्ट साइड में टी से मल्टीप्लाई किया है। तो राइट साइड में क्या चेंजेस हुए, देखो राइट साइड में यहाँ पे एफ बार ऑफ एस था लेकिन यहाँ एफ बार ऑफ एस के पहले माइनस डी बाई डी एस आ गया। इट मीन्स लेफ्ट साइड में अगर हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में माइनस डी बाई डी एस करना है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है, ये एग्जाम में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चलो इसको प्रूफ करेंगे। ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आप आर एच एस साइड लेंगे और एल एच एस के लिए प्रूफ करेंगे। लैपलास की कोई भी प्रॉपर्टी आप प्रूफ करते समय आप हमेशा चेक करेंगे पहले कि लैपलास की कोई प्रॉपर्टी में कहीं आर एच एस या एल एच एस में कहीं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो नहीं। जो साइड में इंटीग्रेशन पार्ट या डिफरेंशिएशन पार्ट है वो साइड आपको ले लेना है और अदर साइड के लिए आपको सॉल्व करना है। इसके पहले जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे उसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं था, तो हमने एल एच एस साइड लेके आर एच एस के लिए प्रूफ किए थे। यहाँ पे देखो आर एच एस साइड में डिफरेंशिएशन है तो आपको क्या करना है, आर एच एस साइड आपको पहले ले लेना है और एल एच एस के लिए प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये हम लेंगे आर एच एस साइड, आर एच एस माइनस डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू आर एच एस साइड हमने ले ली। ये जो आर एच एस साइड है ये हमने यहाँ ले ली। अब इसको एल एच एस के लिए आप सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सिंपल है सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व होता है। तो माइनस डी बाई डी एस, यहाँ पे लैपलास का डेफिनेशन पुटअप करो, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स एफ बार ऑफ एस है, तो यहाँ पे एफ बार ऑफ एस की जगह लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस डी बाई डी एस, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी में लैपलास का डेफिनेशन रखो। लैपलास का डेफिनेशन हमने कई लेक्चर्स में इसके पहले बताए थे, फिर से हम बता देते, रिपीट कर रहे। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टर इनटू डीटी। तो ये लैपलास का डेफिनेशन है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये टर्म आप एज इट इज यहाँ पे पुट अप करो, देन उसको सॉल्व करो। तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माने वो डेफिनेशन आपको यहाँ लिखना है। तो इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टर इंटू डी टी। तो इस तरह से हमने लैपलास का डेफिनेशन यहाँ लगा दिए, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंटू डी टी, और यहाँ बाहर में है माइनस डी बाई डी एस। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन प्रॉपरली चेक करो जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रल के बाहर है, तो आपको इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल यूज करना है। सो डिफरेंशिएट इनसाइड द इंटीग्रल बाय यूजिंग लेबनीज रूल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, माइनस एज इट इज है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी
ई टू दी पावर माइनस एस टी का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई टू दी पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी, एफ ऑफ टी कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहने दो, इंटू डी टी। अब ये माइनस बाहर लेके आओ तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल पार्ट एज इट इज है, ई टू दी पावर माइनस एस टी एज इट इज लिखो, टी इंटू एफ ऑफ टी एक साथ लिखो तो टी इंटू एफ ऑफ टी साथ में लिखो और इसको ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ पे इंटू डी टी लिखो। अब इतना होने के बाद अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप लैपलास का डेफिनेशन लगा दीजिए, लैपलास का डेफिनेशन हमारे पास ऑलरेडी है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स थ्री थिंग्स, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आप ये आर एच एस को ये पार्ट के साथ कंपेयर करो, तो आप जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा इंटीग्रल ये बिल्कुल सेम है, ई टू दी पावर माइनस एस टी ये भी आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ टी है तो यहाँ पे टी एफ ऑफ टी है, प्रॉपरली चेक करो, यहाँ पे एफ ऑफ टी है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी है, अंदर में यहाँ एफ ऑफ टी है तो बाहर में भी लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी है, तो अगर यहाँ अंदर में टी एफ ऑफ टी है तो बाहर में भी लैपलास ऑफ टी एफ ऑफ टी आएगा, तो हम इसको लिखेंगे लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी और यही हमारा एल एच एस है। Hence proof. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना था कि लैपलास ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस, तो ये हमने इस तरह से प्रूफ कर लिया। तो ये प्रॉपर्टी का कंफ्यूजन क्या है वो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान से देखो, आपको कंफ्यूजन समझ में आ जाएंगे। देखो ये प्रॉपर्टी की तरफ देख के हमें ये पता चलता है, देखो इनिशियल डेफिनेशन ये है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस, ये लैपलास का डेफिनेशन है। अगर लेफ्ट साइड में हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा बनता है, लेफ्ट साइड में हम अगर टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा बनता है। तो रूल ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में माइनस डी बाई डी एस करना है एफ बार ऑफ एस का, अगर आप लेफ्ट साइड में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में एफ बार ऑफ एस का माइनस डी बाई डी एस करना है। So the conclusion is simple, if we multiply by t in LHS then take minus d by ds in RHS. So that is the simple conclusion for Laplace second property. तो ये finally property prove हो चुकी है, चलो इसके कुछ numerical solve करके देखते हैं। Find the Laplace of t by 2a into sine of at. तो चलो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिंपल है। देखो यहाँ हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि साइन 80 को टी से मल्टीप्लाई किया है, इट मीन्स ये प्रॉपर्टी नंबर 2 से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए आप ये सॉल्व करेंगे, सो लैपलास ऑफ टी बाई टू ए इंटू साइन 80 ये हमने ले लिए, 1 बाई टू ए कॉन्स्टेंट है उसको आप बाहर ले लेंगे तो 1 बाई टू ए बाहर आ गया और बच गया लैपलास ऑफ टी इंटू साइन ऑफ 80। इसको आप फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसलिए दिया है क्योंकि लैपलास ऑफ टी साइन 80 हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पुटअप करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लैपलास ऑफ टी साइन 80 अलग से सॉल्व करो, उसके लिए आप साइन 80 का लैपलास पहले ले लो, सो टेक लैपलास ऑफ साइन 80। सो लैपलास ऑफ साइन 80 बिल्कुल सिंपल है, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है। लैपलास ऑफ साइन 80, लैपलास ऑफ कॉस 80, इसकी फार्मूलीज ऑलरेडी इसके पहले हुई है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। तो लैपलास ऑफ साइन 80 ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये स्टैंडर्ड होता है और ये अब मिल चुका है, लेकिन हमें साइन 80 के पहले टी चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड में टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लेफ्ट साइड में टी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन याद रखना कि लेफ्ट साइड में टी से मल्टीप्लाई करना यानी ही प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करना। प्रॉपर्टी नंबर 2 का कहना यह है कि अगर आप लेफ्ट साइड में टी से मल्टीप्लाई करो तो राइट साइड में डी बाई डी एस लो, वो भी माइनस के साथ। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी 2 मल्टीप्लाई एल एच एस बाय टी एंड टेक माइनस डी बाई डी एस इन आर एच एस और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी 2 बाय प्रॉपर्टी 2 ऐसा हम लिख लेंगे। मल्टीप्लाई एल एच एस बाय टी एंड टेक माइनस डी बाई डी एस इन आर एच एस, तो
लेफ्ट साइड में हमें टी से मल्टीप्लाई करना है, तो लैपलेस ऑफ टी साइन ऑफ ए टी ऐसा लिखेंगे। देखो लेफ्ट साइड में हमने टी से मल्टीप्लाई कर लिया है, साइन ए टी के सामने टी आ गया, तो राइट साइड में आपको माइनस डी बाई डी एस करना है, तो माइनस डी बाई डी एस ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें एल एच एस में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आर एच एस में करना है। आर एच एस को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो इसका आंसर हो जाएगा, और सॉल्व करते समय आपको सिर्फ डी बाई डी एस करना है, माने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे आप देखो ऊपर ए है, नीचे ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, तो यहाँ आप क्वोशेंट रूल का यूज़ करो। क्वोशेंट रूल पता होना चाहिए, क्वोशेंट रूल सिंपल है। देखो हम यहाँ पे हल्का सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो डिफरेंशिएशन करना ऐसा है। देखो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये क्वोशेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, उसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये रूल का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो माइनस बाहर है, डिफरेंशिएशन आपको करना है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो चलो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर, देखो ये u ऊपर नीचे v, ये ऊपर का u है नीचे का v है, पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है और उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस फिर न्यूमरेटर लिखना है फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। तो ये देखिए पहले लिखो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, a का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस न्यूमरेटर दैट इज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, और नीचे में आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया पूरी तरह से डिफरेंशिएट। ठीक है, अब इसको हल्का सा सॉल्व करो, सॉल्व करना सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिनोमिनेटर में एस स्क्र प्लस ए स्क्र का होल स्क्र एज इट इज रहने दो, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में हल्का सा सॉल्व करो, ये माइनस बाहर में है, यहाँ देखिए एस स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू जीरो है, मतलब ये टर्म पूरी तरह से जीरो हो गया, ये माइनस और ये माइनस ये हो गया प्लस ए टू इंटू एस, ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया टू ए एस, तो ये हम लिखेंगे टू ए एस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बस इतना ही है, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। और अब ये जो रिजल्ट है वो आप इक्वेशन नंबर वन में रखो, इक्वेशन नंबर वन अपना अनसॉल्व था, तो इक्वेशन नंबर वन में रखो और इक्वेशन नंबर वन को कंप्लीट करो। सो इक्वेशन नंबर वन एम्प्लॉइज लैपलेस ऑफ टी बाय टू ए इंटू साइन ए टी इजिकल टू, ये हो गया वन बाय टू ए इंटू 2as by s square plus a square का होल स्क्वायर। हमने ये जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ लिखे, 1 by 2a ऑलरेडी बाहर था तो ये 1 by 2a, और ये फिर हमने इसका आंसर जो है इसका आंसर हमने ये लिखे, ये देखिए ये जो अपने पास था आंसर ये हमने यहाँ लिखे। अब यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है 2a और 2a ये कट सकता है, तो इसको कट करो और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको आपको लिखना है, तो ये 2a यहाँ पे 2a 2a यहाँ पे कट करो और बचेगा s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि फाइनल अपना रिजल्ट ये रहेगा, लैपलेस ऑफ t बाय 2a इंटू साइन ए टी इज इक्वल टू, ये हमने लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख लिया, अब राइट साइड हमें लिखना है s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट अपने पास आ चुका है, तो फाइनली ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है, ये रिजल्ट आ चुका है लैपलेस ऑफ टी बाय टू ए साइन ए टी, माने जो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके पास ये आ चुका है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर बेस था। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़े कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस क्या होता है। लैपलेस के सेकंड प्रॉपर्टी में लेफ्ट साइड में अगर हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में माइनस डी बाई डी एस करना है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है सेकंड प्रॉपर्टी का, और उसका ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया।
इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस अगर आपको हमेशा चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करेंगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आज का लेक्चर फिलहाल यहीं पे समाप्त होता है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसका थर्ड प्रॉपर्टी कवर करना है, लैपलेस का प्रॉपर्टी नंबर 3, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। थैंक यू वेरी मच।